सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि कल हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था, उसके तीनों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया था, उसी तरह से हम आज क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, और आपके पास एक्सरसाइज रहेगी 13.1। ये आप जानते हो कि वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है, वेयर टू कॉइंस आर टॉस्ड वंस। जो सैंपल स्पेस बनेगा वो यहां से बनेगा, टू कॉइंस आर टॉस्ड वंस, ठीक है। और पहला पार्ट जो दे रखा है बच्चों, इसमें दे रखा है ई, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, ठीक है। और एफ पार्ट आपके पास दे रखा है, वन कॉइन शोज हेड, वन क्वाइन शोज हेड। तो यहां पे देखिए हमें कहा क्या गया है, देखो यहां पे भी जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसी की डेफिनेशन जो है वो अप्लाई होनी है, क्योंकि हमें कहा क्या गया है, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, हमें ई बाय एफ ही निकालना है यहां पे। और ई बाय एफ का मतलब आपको पता है, उसका एक फॉर्मूला है जो कि डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम इस तरह से करेंगे, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ और एफ ये किस तरह से बनेगा, ठीक है। ई आपके पास दे रखा है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, और एफ आपके पास दे रखा है वन कॉइन शोज हेड। तो इसके लिए तो हमें सिंपल स्पेस चाहिए। सो व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड, वंस द सैंपल स्पेस विल बी, क्या सैंपल स्पेस होगा बच्चों, देखो टू कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, या दोनों में हेड आ सकता है, या फिर दोनों में टेल आ सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए ये सैंपल स्पेस हमारे पास आ गया है, अब हमें ई चाहिए। तो ई बच्चों क्या, ई में क्या कहा गया है बताइए जरा ध्यान से, ई में क्या कहा गया है कि ई क्या होना चाहिए, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन के ऊपर टेल होना चाहिए, तो एच टी आएगा और टी एच आएगा, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो कि एक कॉइन के ऊपर टेल अपीयर है, यहां पे एच टी है मतलब एक टेल है, यहां पे टी एच है तो एक टेल अपीयर है। और एफ, एफ क्या है बच्चों, वन कॉइन शोज हेड, और एक में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, तो वन कॉइन में एक में एच है और एक में टी एच है, उसके लिए भी यही सिंपल स्पेस आएगा। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि एच एच क्यों नहीं हुआ, देखिए वन कॉइन यानी कि एक कॉइन के ऊपर ही हेड होना चाहिए, यहां पे तो टू कॉइन के ऊपर है। तो अब आपके पास ई का वैल्यू भी आ गया, एफ का वैल्यू भी आ गया, अब हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, यहां पे क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन एच टी है और टी एच है। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बच्चों, तो यहां पे टू एलिमेंट्स हैं और सैंपल स्पेस में हमारे पास फोर थे, तो टू बाय फोर इट्स गोइंग टू बी वन बाय टू, सो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा वन बाय टू। लेकिन साथ में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी चाहिए बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके बराबर आएगा, एफ के एलिमेंट आपके पास कितने, वन और टू, और टोटल है फोर, टू बाय फोर इट्स अगेन वन बाय टू। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ भी वन बाय टू है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी वन बाय टू है। नाउ इक्वेशन वन बिकम, देखिए क्या आएगा इक्वेशन वन,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2 कैंसल आउट देन 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का वो कितना बनेगा 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसी तरह हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, उसमें सिर्फ ई और एफ का वैल्यू ही आपके पास बदलेगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगा। अब ई में कहा गया है नो टेल अपीयर्स। ई में है आपके पास नो टेल अपीयर्स, नो टेल अपीयर्स, और एफ में कहा गया है नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर्स, नो टेल अपीयर एंड नो हेड अपीयर्स। तो टू कॉइंस आर टॉस्ड, आपको पता है हमें सैंपल स्पेस तो चाहिए, एच टी टी एच 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 एंड देन टी टी। ई के लिए क्या बनेगा बच्चों को बताइए, नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर, टेल किसी में अपीयर नहीं होना चाहिए, नो टेल अपीयर कहा, नो टेल अपीयर। तो यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे भी टेल है, तो सिर्फ एच और एच ही आएगा। एफ नो हेड अपीयर, तो यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, टी और टी ही आपके पास एक एलिमेंट आएगा। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए क्या दोनों में कोई कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, इट्स अ फाइव। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वो कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव अपॉन समथिंग, इट्स अ जीरो। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा बच्चा, आपके पास वन है और 1/4। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे एलिमेंट आपके पास फोर है, तो 1/4। नाउ हमें फाइंड क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कहाँ से आई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। इसका वैल्यू जीरो है, इसका वैल्यू 1/4 है बच्चों, तो जीरो अपॉन एनीथिंग इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपने देखा ना यहाँ पे कितने आसानी क्वेश्चन हैं, और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ये 3 और 4 मार्क्स का भी इस बार हो सकता है कि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे प्रीवियस वाला पार्ट 6th पार्ट आपसे पूछ सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, है ना, वीडियो को देखिए। ठीक है, इस वीडियो को आपने देखना है, और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको खुद सॉल्व करना है। Please. Thank you.